हेलो गाइस, कल रात को बहुत तेज बारिश हुआ है, मतलब बरसात की पहले बारिश शुरू हो चुका है। तो पहली बारिश के बाद मेरे सभी प्लांट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खुश है, क्योंकि बारिश बहुत देर से शुरू हुआ है इस साल। ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद शुरू हुआ है। हर साल 10 जून को बारिश शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार 19 जून को बारिश शुरू हुआ है। तो ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद बारिश शुरू हुआ है, तो इस वजह से प्लांट्स थोड़ी सी स्ट्रेस में था, और अभी बारिश होने के बाद सभी प्लांट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरे कुछ फ्रूट प्लांट के जो फूल थे, जो जिससे फ्रूट बनना था, वो झड़ चुका है, क्योंकि बारिश नहीं होने के वजह से सभी फूल जो है सूख रहा था, और सूखने के बाद वो झड़ रहे थे। तो अभी बारिश शुरू होने के बाद मेरे प्लांट्स का ग्रोथ सभी कैसे हो रहा है वो मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं जिस आम के प्लांट को खरीद कर लाया था, हिमसागर वाली वैरायटी को मैं शिफ्ट किया था 12 इंच पॉट के अंदर 5-6 दिन पहले ही, और अच्छा हुआ मैं इसे शिफ्ट कर दिया था, और बारिश जैसे ही शुरू हो गया है, और अभी प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी 3 आम के प्लांट है, जिसमें से 2 प्लांट मेरे ज़मीन पर लगा हुआ है, और एक है बारोमासी वैरायटी जिसे मैं मेरे कैरी के अंदर शिफ्ट किया था यहाँ पर। उसके भी ग्रोथ, हालांकि ये तो ओकरा प्लांट के अंदर छिप गया है, और लेकिन इसका ग्रोथ देखिए दोबारा शुरू हुआ है, और एक ब्रांच पे मुकुल भी आए हैं। तो ऐसा मुकुल हर एक महीने के अंतराल पे आ रहा है, लेकिन इसमें फ्रूट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे इससे पहले मुकुल आया था, बहुत सारे मुकुल आया था, जिनमें से एक भी फ्रूट बना नहीं, क्योंकि प्लांट मेरे बहुत ही छोटा है, 1.5 से 2 फीट का ही होगा, और अभी नए नए से ब्रांचेस निकलना शुरू हुआ है। मुझे अभी फ्रूट चाहिए भी नहीं, आने वाले 1 साल बाद मैं इसमें फ्रूटिंग लूँगा। अभी मैं इसको थोड़ी सी ग्रोथ में ध्यान दे रहा हूँ, देखता हूँ इसमें कैसा ग्रोथ होता है। तो इससे पहले मेरे ये प्लांट कैरी बैग पे लगा हुआ था, और अभी मैं इसे छत के ऊपर बना हुआ कैरी के अंदर शिफ्ट किया हूँ। तो मैं हिमसागर वाले वैरायटी को तो रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन मेरे जो एप्पल के प्लांट है, जिसको मैं एक ही साथ खरीद कर लाया था, वो अभी भी 6 इंच कैरी बैग के अंदर ही लगा हुआ है, क्योंकि मुझे टाइम मिला नहीं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं इसे भी शिफ्ट कर दूंगा। तो इसके देखिए यहाँ से नए से ब्रांच और लीव्स निकलना शुरू हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। प्लांट को मेरे लाए हुए 6-7 दिन हो चुका है, तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं इसे पॉट पे शिफ्ट कर दूंगा। और मेरे जो यहाँ पर गुआवा के बारुईपुर वैरायटी है, जो हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल पे बहुत ही फेमस है, इसके अंदर इसके ऊपर फ्रूट फ्लावरिंग तो हो रहा है, लेकिन फूल जो है झड़ रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज था। बहुत सारे फूल देखिए खिल रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 फ्रूट बनेंगे, यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग शुरू हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारे फ्लावरिंग हो रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे फूल खिले थे जो झड़ चुका है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 फूल खिला था, लेकिन गर्मी के कारण झड़ चुका है फूल। और उम्मीद है इस बार जो फूल आ रहे हैं उसमें मुझे गुआवा मिलेगा। और एक गुआवा के प्लांट है जो यहाँ पर कैरी के अंदर लगा हुआ है, इसके ग्रोथ तो बहुत अच्छा है। यह है केजी वैरायटी। केजी वैरायटी में मुझे ऑलमोस्ट इससे पहले 5 फ्रूट मिल चुका है, 6-7 महीने का ही प्लांट है, 3 से 3.5 फीट लंबा हुआ है, और अभी देखिए बहुत सारे ब्रांच निकल कर आए हैं। मैं सभी ब्रांच को ऐसे नीचे की साइड पे झुकाकर बांध दिया था, जैसे कि ये ब्रांच है, इसे ऐसे झुकाकर बांध दिया था। ऐसा करने से नए नए से फ्लावरिंग भी प्लांट पे शुरू हो जाएगा, और बहुत सारे ब्रांच भी निकल कर आएंगे आपके प्लांट पे। तो इस तरीके से आप भी गुआवा प्लांट को ऐसे ही नीचे की साइड से इस तरह झुकाकर बांध दीजिए, 15-20 दिन रखने के बाद ही आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा आपके प्लांट पे। तो देखिए बहुत सारे ब्रांच, हर एक ब्रांच पे 3-4 करके ब्रांच निकल कर आ रहे हैं, आने वाले समय में इसमें भी बहुत सारे गुआवा बनेंगे। इसके अलावा मेरे चीकू के प्लांट का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है, चीकू अभी भी लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए वहाँ पर भी है, यहाँ पर और कुछ चीकू था जिसको मैं 3-4 दिन पहले ही हार्वेस्ट किया था, और दोबारा फ्लावरिंग हुआ था, लेकिन गर्मी इतने ज़्यादा होने के वजह से फूल सभी झड़ चुके हैं, लेकिन
अभी फिर से यहाँ पर फ्लावरिंग शुरू हो रहा है, तो आने वाले समय में इसमें भी बहुत सारे चीकू बनेंगे। मेरे 4 साल पुराना प्लांट है और एक थर्मोकॉल के डिब्बे के अंदर लगा हुआ है। कुछ पाट शाक की भी मैं सीडलिंग किया था, हालांकि बहुत सारे मैं हार्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारा है जिसे मैं आने वाले समय में हार्वेस्ट करूंगा और खाने में यूज़ करूंगा। तो ये डायरेक्ट छत के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी देकर, मतलब नीचे प्लास्टिक देकर उसके ऊपर हल्की मिट्टी देकर मैं ऐसे साग को ग्रो किया हूँ। आप भी इस तरीके से साग ग्रो कर सकते हैं। और इस साइड पे मेरे कुछ मिर्च के प्लांट है, हालांकि बहुत सारे फ्लावरिंग तो हो रहा था लेकिन सेम रीज़न से सभी फूल झड़ चुका है, जो मैं इससे पहले ही बताया, बहुत सारे बहुत तेज़ गर्मी होने के कारण। देखिए मिर्च जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, प्लांट तो बहुत ही घना हो चुका है, थोड़े बहुत मिर्च बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है कुछ एक आध प्लांट्स का ग्रोथ, सभी बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए फूल तो यहाँ पर भी आ रहे हैं लेकिन मिर्च बन नहीं रहे हैं। तो अभी तो बरसात के मौसम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि अभी इसमें मिर्च बनना भी शुरू हो जाएगा। इस साइड पे मेरे सभी रोज के प्लांट को मैं रखा था छाव पे, क्योंकि धूप बहुत ही तेज था, तो इतने धूप तेज होने के बावजूद मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक फूल लगा है, वहाँ पर एक देसी वैरायटी में भी फूल खिल रहा है, और भी यहाँ पर एक फूल खिल रहा है गुलाब के लाल वैरायटी को। और यहाँ पर है मेरे छाव के अंदर ऑरेंज प्लांट, क्योंकि धूप बहुत तेज था इसलिए छाव पर मैं इसे रखा था। फिर भी एक दो ऑरेंज है जो झड़ चुका है, अभी कुल 3-4 ऑरेंज है जो लगा हुआ है प्लांट पे। तो बहुत तेज धूप था इसलिए मैं इसे भी छाव पर रख दिया था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे गार्डन का छोटा सा अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।